तभी उन्होंने देखा कि उनके सामने हवा में वही तांत्रिक अचानक से प्रकट हो गया और बड़े भयंकर रूप से हंसने लगा। फिर उसने संजय से कहा, इस दिन की प्रतीक्षा तो मैं कितने समय से कर रहा था, अब आज तुम्हारी बलि देने के साथ ही मेरी 1000 बलियां पूरी हो जाएंगी और मुझे मिलेगी अमर होने की शक्ति। हा 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 हा। तभी संजय उस लड़की को लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन वह जहां जहां भी जाता वह तांत्रिक उसे वहीं पर हवा में झूलता हुआ मिलता था। तभी अचानक से उस तांत्रिक के मुंह से आग निकली और संजय को चारों ओर से घेर लिया। संजय को समझ नहीं आ रहा था कि इस तांत्रिक को कैसे मारा जाए, कि अचानक उसे याद आया कि उसकी जेब में बाबा भूतनाथ की भस्म है। उसने अपनी जेब से भस्म निकली और अपने चारों ओर उड़ा दी और थोड़ी सी भस्म उस तांत्रिक पर भी डाल दी। उस भस्म के प्रभाव से उसके चारों ओर लगी हुई आग बुझ गई और जैसे ही वह भस्म तांत्रिक पर पड़ी वैसे ही वह तांत्रिक जलने लगा। तभी उसने संजय पर जलता हुआ भाला फेंका। संजय ने उस भाले को अपनी ओर आते देख आंख बंद कर हाथ जोड़कर बाबा विश्वनाथ का ध्यान किया। तभी वातावरण में शंख और डमरू तथा मंदिर के घंटों की ध्वनि गूंजने लगी। देखते ही देखते वहाँ एक अद्भुत प्रकाश छा गया और तभी उस प्रकाश में से बाबा भूतनाथ हाथ में जलता हुआ त्रिशूल लेकर प्रकट हो गए और उनके तीसरे नेत्र से भयानक अग्नि निकली और उसने तांत्रिक के फेंके हुए भाले को करोड़ों हजारों टुकड़ों में बांट दिया। तभी क्रोध से भरे हुए बाबा भूतनाथ ने अपने त्रिशूल से उस तांत्रिक का सर धड़ से अलग कर दिया। तभी संजय और उस लड़की ने उन्हें प्रणाम किया। बाबा भूतनाथ ने उन दोनों को सदा सर्वदा सुखी रहने और सदा एक दूसरे के साथ रहने का आशीर्वाद दिया और इसी के साथ वे भी वहां से अदृश्य हो गए। अब वे दोनों सुरक्षित थे। तभी संजय ने उस लड़की से पूछा, अरे इन सब में तो मैं तुम्हारा नाम पूछना ही भूल गया, क्या नाम है तुम्हारा? उस लड़की ने संजय से कहा कि उसका नाम श्रुति है और यह तांत्रिक उसके पिता थे। अमर होने की चाह में उन्होंने उसका इस्तेमाल किया था, इसीलिए वह ये चाहती थी कि कोई वीर योद्धा आए और इन्हें इनके अंजाम तक पहुँचाए। उसने आगे कहा कि मैं जानती थी कि तुम ही वो शख्स हो जो इन्हें मार सकता है, इसीलिए मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अब इस तांत्रिक के मरने के बाद उसकी सारी शक्तियाँ उसकी बेटी को मिल गई हैं और अब इन शक्तियों से लोगों का भला करेगी। इतने में ही सुबह हो गई और वे दोनों उस जंगल से निकलकर संजय के माँ बाप के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन लोगों ने संजय के माता पिता के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया और फिर बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। इसके बाद संजय के माता पिता ने उन दोनों की शादी करवा दी और वे दोनों बाबा विश्वनाथ का शुक्रिया अदा करते हुए वापस दिल्ली लौट गए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।